होने वाला है राकुटेन के हैंड 5G स्मार्टफोन के बारे में। जैसा कि हमको पता है कि जापान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में जापान काफ़ी आगे है, तो हम सभी की एक्सपेक्टेशन होती है मोबाइल फ़ोन के क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के क्षेत्र में कि यहाँ पे कुछ मिरेकल चल रहा होगा। तो मिरेकल तो देखो ये है कि यहाँ पे सर्विसेज मोबाइल की बहुत ज़्यादा महंगी हैं। मैंने यहाँ पे 30,000 येन तक का बिल दिया है, मोबाइल बिल। बट ये है कि अगर आपको सही चीज़ पता हो कि क्या चीज़ कहाँ से लेनी है, कौन सी सर्विस लेनी है, तो आप बहुत सस्ते में भी काम चला सकते हो। ये उसका एक उदाहरण है। जैसे मैंने यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, 19,001 येन का मोबाइल था, 19,000 का डिस्काउंट मिला, तो मुझे ये मोबाइल फ़ोन पड़ा 1 येन का। अब ये 1 येन का मोबाइल फ़ोन कैसे पड़ा, कहाँ से लेना है, क्या है, ये आगे के वीडियो में बताऊँगा। क्या स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन मैं बता दूँ, ये चाइनीज़ फ़ोन से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा नहीं तो मैं तो कहूँगा काफ़ी बेहतर है, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का अच्छा कैमरा है फ़ोन के अंदर, 2600mAh की बैटरी है जो कि अच्छी है, और काफ़ी अदर फीचर भी जो है स्मूथ है काफ़ी फ़ोन, ऐसा मैंने सुना है। मैंने देखा तो नहीं है, यूज़ तो नहीं किया है, बट मैंने सुना है अपने फ्रेंड से कि फ़ोन काफ़ी स्मूथ है। अभी मैं चलाऊँगा आपके सामने, तो आप देख सकते हो कि कैसा है ये फ़ोन। चलिए कोशिश करते हैं इसका अनबॉक्सिंग करने की। ये है मेरा राकुटेन का फ़ोन, जो कि बहुत पहले डिलीवरी आ गई थी, खोल मैं इसे आज रहा हूँ और मुझे मिला नहीं है सामान, नाइफ मेरा मिल नहीं रहा है। मैं ऐसे ही खोलने का इसे प्रयास करता हूँ। ये रहा हमारा फ़ोन राकुटेन हैंड 5G फ़ोन। बिल्कुल चिपक के आया है बॉक्स में। ये हमारा फ़ोन है, आप लोग देख सकते हो, राकुटेन हैंड 5G 1 येन का फ़ोन। देखते हैं खोल के कैसा रहता है, फिर मैं आगे की चीज़ें बताता हूँ, कैसे मिल सकता है, क्या है, क्या फीचर्स हैं। ये रहा फ़ोन, 3, 2, 1 टाना। ये रहा हमारा फ़ोन राकुटेन का फ़ोन, डिंग डोंग। अच्छा, इसको देख के लग रहा होगा आपको कि इसका कैमरा बहुत ऑर्डिनरी सा है, बट ऐसा है नहीं, है ना। ये जापनीज फ़ोन है और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो भी ठीक ठाक सा है, मतलब अप्रॉक्स 3000mAh की बैटरी है, टू बी प्रिसाइज 2600mAh की है, और इसके अलावा 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। अभी इसको क्यों लेना चाहिए वो उसका रीज़न मैं बताता हूँ, और इसको ऑन करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। ये देखिए फ़ोन स्विच ऑन हो चुका है और हम लोग चलते हैं फ़ोन में, करते हैं इंग्लिश को देखते हैं। ये देख सकते हो फ़ोन स्विच ऑन होने के बाद सबसे पहले इसमें हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो हमने वो सिलेक्ट कर ली इंग्लिश, यूनाइटेड किंगडम। फिर स्टार्ट करते हैं फ़ोन को, 65% बैटरी दिखा रहा है, स्किप कर देते हैं। वाईफाई से कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं, टाना। आप लोग देख सकते हो कि मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन हो चुका है और हमने इसको जो है वाईफाई से भी कनेक्ट कर दिया है। तो फ़ोन के थोड़े से फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो फ़ोन का जो मेन कैमरा है दैट इज 64 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का है, और इंटरनल मेमोरी जो है वो 4GB रैम है, 128GB रोम है। इसके अलावा जो है जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा है, 2630mAh की बैटरी है इसमें, और कंटिन्यूस कॉल कम्युनिकेशन टाइम की बात की जाए तो दैट इज़ लाइक अबाउट 26.6 आवर्स। एंड इस फ़ोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट फीचर भी मिल जाएगा, फेस रिकग्निशन भी है इसमें, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स और भी हैं,
ओवरऑल स्मूथ बहुत है और इसका फिंगरप्रिंट फीचर काफ़ी अच्छा है। मैंने अभी इसको चला के देखा, बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा एज़ कम्पेयर टू अदर एंड्रॉयड फ़ोन। इसका फिंगरप्रिंट फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कैमरा देख सकते हो आप, अच्छी काफ़ी लो लाइट है यहाँ पे और अच्छा फ़ोटो दिख रहा है। फ़ोटो देखने में लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक कैमरे से खींचा गया फ़ोटो है ये। और कुछ एक पिक्स मैं दिखाता हूँ जो इसी कैमरे से मैंने ली हैं। देख सकते हो आप क्लैरिटी है कैमरे में। तो बेसिकली अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये फोन लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये ई सिम फोन है, इसमें केवल ई सिम चल सकता है, लेकिन अगर आप इंडिया जाओगे तो भी वहाँ पे आपका ई सिम चलेगा। इसमें कोई मतलब इंडियन जैसे जो प्रोवाइडर हैं एयरटेल जियो, इनके ई सिम यूज़ कर सकते हो आप फ़ोन पे। बाकी देखिए ये फ़ोन आपको तब मिलेगा जब आप राकोतन की सर्विस लोगे। अभी ऐसा नहीं है कि सर्विस कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। देखो मैंने तो यहाँ पे 30-30 हज़ार ये इनके भी बिल दे रखे हैं, मोबाइल बिल, तो जो कि थोड़ा ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है मोबाइल बिल के हिसाब से इंडियंस के लिए। हमको, हम लोग तो पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा हम लोग यूज़ करें हैं, तो हमारे लिए तो 30,000 येन काफ़ी ज़्यादा भारी बिल है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप कि 20 GB का जो इनका प्लान है वो मैंने लिया है। जैसे 20 GB का प्लान था 3,000 येन में पर मंथ में, ये प्लान था 20 GB का, तो ये प्लान मैंने लिया। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कोई, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैंने बस ये प्लान लिया और फिर मुझे इन्होंने ये बोला कि भाई हमारे पास ये ऑफ़र है कि 1 येन में आप ले सकते हो सिम के साथ, तो मैंने भाई ले लिया। और दूसरी चीज़ ऐसा नहीं है कि 3,000 येन वाला ही लेना है, सस्ते प्लान भी हैं। मुझे 20 GB डेटा लगता है महीने में कम से कम, कि भाई ठीक है अपना वाईफाई है सब है, लेकिन इतना तो लगेगा, 20 GB तो लग ही जाएगा। और अगर मैं इससे पहले जो कंपनी का सिम यूज़ कर रहा था, अगर मैं 20 GB यूज़ करूँ तो उसके लिए मुझे कम से कम 8,000 से 9,000 इनके आसपास जो है देना पड़ता था 20 GB डेटा यूज़ करने के लिए। तो मुझे वो 17 GB का पैक डलवाना पड़ेगा उसमें, जिसका लगभग 6,400 रुपये के आसपास उनका पैक है, और फिर वो एक्सीड करने पर लगभग उसका 8-9 हज़ार इनके आसपास जो है बिल आएगा। तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी सही लगा। राकोतिन कंपनी भी जो है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पे जैसे अपने इंडिया में रिलायंस है, वैसे यहाँ पे राकोतिन को आप उसको उसी उसी उस पर आप ले सकते हो स्केल पे, तो अच्छा है ओवरऑल। अगर आपको अच्छा लगे आप बिल्कुल लीजिए। और 1 इन में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 1 इन में बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है, मैं तो ये कहूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब करिए तो जापान के बारे में आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, बातें होती रहेंगी। Thank you so much. Bye.